वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीक रिव्यूज। और आज हम बात करेंगे ऑल न्यू 2023 जीप कंपस के बारे में। करंटली आप जी मॉडल देख रहे हैं, ये है अपना कंपस लिमिटेड ऑप्शनल मैनुअल में। एंड इसका एक्सशोरूम प्राइस जो रहेगा ना व्यूज, वो है 25,99,000 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस रहेगा 29,87,000 रुपीज़ विद एक्सेसरीज इंक्लूडेड। एंड विदाउट एक्सेसरीज इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा वो है 29,57,000 रुपीज़। व्यूज मैं जो आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, ये है हिमाचल प्रदेश मंडी डीलरशिप का। अब बात की जाए इसकी कीज़ के बारे में, तो कीज़ कुछ इस तरह से देखने मिल जाती है, जिसमें कि व्हीकल लॉक अनलॉक करने का बटन दोनों की के ऊपर देखने मिल जाता है, साथ में बूट को अनलॉक करने का बटन भी मिल जाता है। अगर आप इन दोनों बटन्स को लॉक अनलॉक को होल्ड करके रखोगे ना 5 सेकंड तक साथ ही में, तो उस टाइम पे आप इसके पैनिक मोड को भी ईजिली एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात की जाए इसके कलर के बारे में, तो आपको इसमें जो करंटली कलर देखने मिल रहा है वो है वाइट। तो फ्रंट से शुरुआत करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको हेडलाइट्स देखने मिल जाती है, जिसमें कि डे टाइम रनिंग लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टर्न लाइट इंडिकेटर यहाँ पे देगा। यहाँ पे इसमें आपको मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स देखने मिल जाती है, जिसकी वजह से रात के टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। और यहाँ पे ये फॉग लैम्प जो ये अपना कॉर्नर लैम्प का काम भी कर देते हैं। फ्रंट के लुक्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने फ्रंट का लुक, और साथ में इसमें आपको सिग्नेचर ग्रिल देखने मिल जाएगी जीप की, जिसमें कि आपको क्रोम पियानो फिनिश एंड साथ में यहाँ पे मैट फिनिश में आपको थोड़ा सा डिज़ाइन देखने मिल जाएगा ग्रिल के बीच में। पियानो फिनिश आपको यहाँ पे भी देखने मिल जाती है, ये इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देती है। नीचे आपको यहाँ पे मैट फिनिश में ग्रिल दी गई है, तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में स्किड प्लेट देख सकते हैं, और नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है अराउंड 200 mm की। साइड में आ जाए ना तो यहाँ पे आपको जो देखने मिल जाएंगे वो है डायमंड कट अलॉय व्हील्स। इसमें आपको हेडलाइट्स एंड वाइपर जो है ना ऑटो फंक्शन के साथ में मिल जाते हैं। फॉलो मी होम लाइट्स का फीचर भी मिल जाता है इसमें आपको, साथ ही फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेक्स देखने मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स देखने मिल जाती हैं, तो साथ में इसमें आपको सस्पेंशन मिल जाता है। मैकफर्सन स्टड विद लोअर आर्म सस्पेंशन दिए गए, जिसकी वजह से आपको राइड हैंडलिंग और क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी मिलेगी। टायर साइज मिल जाता है इसमें आपको 225/55R18 का 89V के हाई स्पीड टायर्स देखने मिल जाते हैं। फ्रंट से लेके रेयर एंड तक जो क्लैडिंग जाती है ना, इसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पे आपको LED टर्न लाइट इंडिकेटर, पियानो फिनिश के साथ में ORVMs, ड्यूल टोन फिनिश के साथ में रूफ देखने मिल जाएगी। साथ ही में इसमें आपको जीप व्हीली का यहाँ पे डिज़ाइन देखने मिल जाएगा। कंपस लिखा हुआ मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड दोनों तरफ देखने मिल जाएगा। तो इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी स्मूथ एंड प्रीमियम क्वालिटी का एहसास दिलाता है। काफ़ी आपको जो इसके अंदर साउंड सेटल आएगी, मीन्स खड़खड़ाएगी नहीं गाड़ी, अगर आप लंबे टाइम तक इसे यूज़ करते हो ऑफ रोड के पर्पज़ के लिए भी, तो उस टाइम पे व्हीकल काफ़ी ज़्यादा खड़खड़ाएगा नहीं, मीन्स किसी और गाड़ी से कंपेयर किया जाए तो ये नया का नया ही रहेगा। कैबिन में आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और को ड्राइवर साइड में आपको व्हीकल लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाती है। कैबिन में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेदर फिनिश देखने मिल जाएगी, पियानो फिनिश देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो को ड्राइवर साइड में जो ग्लव बॉक्स में स्पेस है ना, वो काफ़ी अच्छे देखने मिल जाएगी। साथ में इसमें आपको लाइट भी मिल जाती है जीप कंपस का बुकलेट, साथ ही में यहाँ पे मैट फिनिश देख सकते हैं अपना, और इसी के साथ में आपको स्टील फिनिश देखने मिल जाएगी यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर। ये जो आप देख पा रहे हैं लेदर फिनिश, ये इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। यहाँ पे आपको जो रबर टाइप फिनिश देखने मिल जाएगी, मीन स्मूथ फिनिश दी गई है यार, ये अपना लेदर टाइप में है, लेदर एक्ट है। यहाँ पे IRVM ऑटो डिम फंक्शन के साथ में आता है, साथ में हैलोजन के साथ में रीडिंग लैंप, बूट को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाती है, मीन ओपन क्लोज करने के लिए। इसके पैनोरामा सनरूफ के जो कंट्रोल है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो इसका सन वाइजर के वैनिटी मिरर मिल जाता है, लाइट्स दी गई हैं, साथ में सेम आपको जो है दूसरी तरफ देखने मिल जाएगा को ड्राइवर साइड में, सेम आपको फंक्शन देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिसिप्ट होल्ड करने के लिए स्पेस दोनों तरफ दी गई है, तो माइक आपको दोनों तरफ एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे आपको जो ग्रैबिंग पॉइंट है ये सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन के साथ में आता है। अब बात करूँ हेडरूम स्पेस के ना, तो यहाँ पे हेडरूम स्पेस जो अपना 4 उंगली का देखने मिल जाएगा, साथ ही में अंडर थाई सपोर्ट एंड लंबा सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे गेयर स्टिक जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने कैबिन के अंदर। लेदर फिनिश, पियानो फिनिश देख सकते हैं, मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। USB-C एंड टाइप ए में ऑप्शन मिल जाएगी।
ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में इसमें आपको स्क्रीन ऑफ करने एंड म्यूजिक म्यूट करने का बटन यहाँ पे दिए गए हैं। 10 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, साथ ही में फ्रंट पार्किंग सेंसर को एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने का बटन यहाँ पे दिए गए हैं। और बात की जाए इसी के साथ में, तो दो कप होल्डर्स की स्पेस आने स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में आता है। नीचे काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी कुशनी सी आर्म्स दिए गए हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ से अंदर बाहर आ जाना काफ़ी आसान है। इसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने मिल जाएंगे। रूफ में आप देखेंगे तो पैनोरामा सनरूफ, जो कि लग्जरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। एंड रियर में आपको शार्किंग एंटीना मिल जाएगा, यूवी कट ग्लासेस मिल जाते हैं, जो कि एक तो व्हीकल के लुक्स को एनहांस करते हैं, साथ ही में आपकी प्राइवेसी और कैबिन के अंदर हीट भी काफ़ी कम ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंड रो की बात की जाए ना, तो यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे 2 हाई ट्रांजिशन हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। फ्रंट डोर की तरह फिनिश देख पाएंगे यहाँ पे डोर पैनल के ऊपर। और तो सेकंड रो में ना आपको यहाँ पे लेगरूम स्पेस की बात करूँ ना, तो पीछे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। हेडरूम स्पेस की बात की जाए, हेडरूम स्पेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 उंगली का जो मुझे देखने मिल रहा है, ठीक है, 3 उंगली का हेडरूम स्पेस देखने मिल जा रहा है। हाइट एडजस्ट जो हेडरेस मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको जो ये जो ग्रैबिंग पॉइंट है, इसके साथ में लाइट भी मिल जाती है, हुक भी दिए गए हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन के साथ में आते हैं। कर्टन एयरबैग्स दिए गए हैं इसमें, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे रेयर में जो आपको ये आर्म रेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोबाइल फ़ोन या कपोड़ों की स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट रेशियो के साथ में रेयर की सीट्स आती हैं। थोड़ा बहुत लंबा सामान लाना हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइप सी में, ए में चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, यूएसबी में। यहाँ पे नीचे इसमें आपको 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस। अब बात कर लें इसकी रियर एंड के बारे में, तो एलईडी में स्टॉप लैंप देखने मिल जाएगा आपको। यहाँ पे तो हेलोजन में आपको लाइट्स देखने मिल जाती है। पैडल लाइट जो यहाँ पे दी गई है, फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे नीचे देखने मिल जाते हैं। रियर बम्पर के ऊपर तो आपको मैट फिनिश के साथ में बम्पर भी देखने मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर्स देखने मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसमें आपको जो लिमिटेड एडिशन है, तो उसकी बैजिंग यहाँ पे दी गई है। जीप यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। डिफॉगर वाइपर वॉशर मिल जाता है, वॉशर जो क्लेवरली यहाँ पे हाइड किए गए। स्टॉप हाई माउंटेड स्टॉप लाइट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्नेक का डिज़ाइन भी देखने मिलता है आपको। ईजिली आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बूट ओपन मिल जाएगा आपको देखने में। साथ में नंबर प्लेट लाइट्स वाइट कलर में आती हैं, तो यहाँ से आप अपना बूट बंद कर सकते हैं। इसमें आपको 2 बूट लैम्प देखने मिल जाते हैं। अमूमन आपको 1 बूट लैम्प देखने मिलेगा, तो यहाँ पे कंपनियाँ 2 दी हुए हैं। 4 आपको एंकर पॉइंट्स देखने मिल जाते हैं कैबिन के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप लंबा सामान या फिर कोई सामान भारी बांध के रखना चाहते हो ना, तो बांध के रख सकते हो। और इसका ये जो अपना नीचे ट्रे है ना, ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें आपको जो बूट स्टोरेज स्पेस मिल जाती है वो है 438 लीटर्स की। साथ ही में इसके साइड में भी आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस देखने मिल जाती है दोनों तरफ। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील देखने मिल जाएगा। नीचे स्पेयर व्हील के साइड में भी आपको थोड़ा बहुत मैटिंग देखने मिल जाती है। अगर आप थोड़ा बहुत सामान लेके आना चाहते हैं कुछ और यहाँ पे रख के, तो ला सकते हैं, पर आपकी बॉडी के ऊपर भी स्क्रैचेज नहीं आएंगे गाड़ी के। साथ में जैक टूल्स भी देख सकते हैं आप, नीचे जैक नीचे तो टूल्स उसके यहाँ पे सीट के पीछे माउंट किए गए हैं। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिल जाती है ना, वो 60 लीटर के साथ में 20 लीटर तक आप इसमें एड ब्लू फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। रेयर में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगी, तो साथ ही में मल्टी लिंक सस्पेंशन देखने मिल जाता है रेयर में, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा की फॉब के साथ व्हीकल को अनलॉक करने की ऑप्शन। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर एक्स्ट्रा फीचर जो आपको देखने मिल जाते वो हैं मेमोरी सीट्स के फंक्शंस, साथ ही में आपको यहाँ पे जो मिल जाएंगे इसके पावर कंट्रोल्स। तो यहाँ पे जीप लिखा मिल जाएगा जिसका प्लेट के ऊपर, जो कि दोनों तरफ दिए गए हैं। टायर प्रेशर क्या है वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टायर साइज के अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे जो है कस्टमर केयर का नंबर जो है एमरजेंसी के लिए दिया गया है। हेडलाइट्स के कंट्रोल्स एंड फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने में, वाइपर्स के एंड हेडलाइट्स के बाकी कंट्रोल्स जो वहाँ पे दिए गए हैं। हुड ओपन आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो वीज़ ये रहा फीएट का 2 लीटर मल्टी जेट टर्बोचार डीजल इंजन, जो कि आपको जीप के अलावा अपना टाटा सफारी, हैरियर और एमजी के व्हीकल में देखने मिल जाएगा डीजल इंजन। बात करें इसके इंजन के बारे में, तो हाईली ट्यूनेबल इंजन है, साथ ही में
पावर जनरेट कर देता है 172 bhp के, टॉर्क जनरेट कर देता है 350 nm का, गियरबॉक्स मिल जाता है 6-speed मैनुअल, एंड माइलेज मिल जाती है आपको अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर की। अगर आप इसे इन वन फुल टैंक ड्राइव करना चाहें ना तो 60 लीटर के टैंक के साथ आप इसे इजीली 900 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें आपको जो मेजर फ्यूज बॉक्स है ना वो यहाँ पे देखने मिल जाए, विंड वॉशर फ्यूल टैंक यहाँ पे, तो कूलेंट टैंक यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे देखने मिल जाए इसका ब्रेक फ्लूइड टैंक, तो इसकी फायर वॉल के ऊपर एंड हुड के ऊपर काफ़ी अच्छी डैम्पिंग देखने मिल जाती है। वारंटी मिल जाती है 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड। ड्राइवर साइड में आप जैसे ही आएंगे ना तो आपको यहाँ पे इग्निशन ऑन करने के लिए जो बटन है ये पीछे मिल जाता है, जीप सिंस 1941 लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है, MID के ऊपर, इंजन RPM इस तरफ, तो व्हीकल स्पीड यहाँ पे देख पाएंगे, कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे, तो अपना फ्लूइड लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको इसको कंट्रोल करना ना MID को, तो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना ड्राइविंग डायनेमिक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, बाकी अपना व्हीकल कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी लेवल, एग्जॉस्ट फ्लूइड कितना अवेलेबल है वो दिखाएगा, हर एक चीज़, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग देख पाएंगे आप यहाँ पे। साथ में इसमें आपको करंट माइलेज, एक फुल टैंक में कितना किलोमीटर चलेगा, या फिर आपको म्यूजिक कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग डायनेमिक्स आप चेंज कर सकते हैं, इसके जो लाइट हैवी या फिर मीडियम रखना चाहते हो उस हिसाब से। इसके स्टीयरिंग व्हील को आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठेंगे आप तो इतना लेगरूम स्पेस, और नॉर्मली ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से बैठेंगे तो अपने इतना काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, 4 उंगली का इस तरफ, तो इस तरफ तो 5 उंगली का मिल जाएगा। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने मिल जाता है, इसमें आपको यहीं पे जो है सभी कंट्रोल्स देखने मिल जाएंगे, MID और फ़ोन उठाने और काटने के, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने मिल जाएगा, जिसके ऊपर जो आपको टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बात करूँ मैं इसमें आपको एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, साथ ही में इसमें आपको नेविगेशन ब्लूटूथ की ऑप्शन भी मिल जाती है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है। सेटिंग्स में जाके आप इसके जो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स अपना मिड बेस ट्रिप हर एक चीज़ चेंज कर पाएंगे। साथ में एयरबैग एक्टिवेटेड तो उसकी वार्निंग ऑन यहाँ पे लिखा होगा, डीएक्टिवेटेड तो ऑफ लिखा होगा यहाँ पे। अब बात कर ले भी इसके, यहाँ पे आपको हेडरूम जो है ना 4 उंगली का देखने में जा रहा है, और मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा हेडरूम स्पेस मिल जाता है। बात करूँ मैं बैक सपोर्ट की, तो काफ़ी अच्छा बैक सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ से फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से देखने मिल जाए। ये मेरा व्यूइंग एंगल है, तो आप देख सकते हैं फ्रंट का हुड आपको देख ही रहा होगा, और आप इजीली इसे व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। आपको ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी कम देखने मिल जाएंगे। और भी इस बात की जाए इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो को 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, साथ ही में इस व्हीकल को यूरोपियन एनकैप में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिल चुकी हैं। साथ ही में इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, और रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो व्यूज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।